हाय एवरीवन दिस इज अभिषेक वेलकम टू कलाम पीसीएस तो अब तक हमने बिहार की ज्योग्राफी बिहार ज्योग्राफी पार्ट वन कवर किया आज हम कवर कर रहे हैं बिहार की ज्योग्राफी दैट इज फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन प्रस ठीक है ज्योग्राफी ऑफ बिहार और इसमें टू बी पर्टिकुलर अगर देखें तो रिवर सिस्टम ऑफ बिहार लेक्स स्प्रिंग्स एक्सेट्रा हम आज देखेंगे ठीक है तो हम रिवर्स ऑफ बिहार से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हमने क्या पढ़ा पिछली क्लास में प्लेन्स ऑफ बिहार ठीक है तो प्लेन्स ऑफ बिहार में हमको हल्का फुल्का तो आइडिया लग ही गया था कि व्हाट आर दी मेजर रिवर्स इन बिहार ठीक है व्हाट आर दी मेजर रिवर्स इन बिहार कौन कौन सी हैं और रिवर बेसेंस देख भी लिया था हमने रिवर बेस जब प्लेन्स में देखा था तो रिवर बेसि के साथ प्लेन्स ऑफ दिस रिवर प्लेन्स ऑफ दिस रिवर्स तो उसमें देख लिया था कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं और नॉर्थ और साउथ की रिवर्स कैसे कैसे हैं ठीक है डिफरेंसेस क्या है बिटवीन रिवर्थ रिवर्स ऑफ नॉर्थ या राइट right, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है तो मेजर रिवर सिस्टम है जिसके अराउंड जो है सारी रिवर्स बिहार के घूमती है वो है गंगा ठीक है और जितनी भी रिवर्स हैं वो पार्ट हैं ऑफ गंगा रिवर सिस्टम इन बिहार ठीक है जब हम यूपीएससी के लिए या किसी अदर स्टेट पीएससी के लिए पढ़ते हैं तो ये माइनर रिवर्स को उतने ध्यान से या उतना सलीके से नहीं पढ़ते हैं बिहार में और ये बी पी के लिए है तो बिहार में जो रिवर्स हैं ठीक है ठीके? उनका कैसे कैसे क्या पैटर्न है गंगा से कहाँ वो कॉन्फ्लुएंस करती हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे ठीक है चलिए तो पहले तो बात कर लें गंगा का ही तो गंगा का ऑरिजिन कहाँ होता है तो उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट ठीक है उत्तराखंड के उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में ठीक है और उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में जगह का नाम गंगोत्री ग्लेशियर ठीक है गंगोत्री ग्लेशियर ठीक है गंगोत्री ग्लेशियर एंड टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर में भी गौमुख है गौमुख पूछ सकता है ठीक है यूपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि यमुना का ऑरिजिन उस क्वेश्चन को गलत किया और आंसर था बंदरपूच ग्लेशियर ठीक है बंदरपूच ठीक है बंदरपूच बंदर ग्लेशियर ठीक है तो ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन कई बार कभी वाइटल जो है सिग्निफिकेंस रखते हैं ठीक है हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए ठीक है तो कहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर और अगर एरिया की बात करें डिफिनेट लोकेशन की बात करें तो गौमुख से ठीक है गंगोत्री ग्लेशियर के ठीक है उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड का लगभग शेप इसी आकार में मिलता है आपको जिस आकार में हमको बिहार का मिल रहा है तो ये वाला एरिया कट कर दीजिए हो गया उत्तराखंड तो ये है आपका उत्तर तो यहाँ से निकल के इस तरह से हरिद्वार से होते हुए बाहर निकलती है गंगा प्लेन्स में कब आती है हरिद्वार के बाद ठीक है प्लेन्स में हरिद्वार के बाद आती है उसके बाद ट्रेवल्स करती है थ्रू उत्तर प्रदेश देन बिहार ठीक है बिहार यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार ये तीन स्टेट टच करके आती है चौथा स्टेट है वेस्ट बंगाल फाइनली उसके बाद आपका कहां पे जाती है बांग्लादेश बांग्लादेश बंगाल ठीक है यहाँ पे एक सागर का नाम है सागर आइलैंड वहां पे ये ड्रेन होती है ठीक है चलिए और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी फॉर्म करती है डेल्टा का क्या नाम है सुंदरबन डेल्टा ठीक सुंदरबन डेल्टा बिहार में बात करें गंगा का तो एंट्री पॉइंट है बिहार में कहाँ पे कहाँ पे तो ये बक्सर में ठीक है कहां से एंटर करती है सॉरी ये बक्सर से बिहार में एंट्री लेती है गंगा ठीक है बक्सर से बिहार में एंट्री लेती है ठीक बक्सर से एंट्री लेती है बिहार में ठीक है और जगह का नाम जगह का नाम जगह का नाम बताइए क्या है चौसा चौसा ठीक है चौसा क्यों फेमस है चौसा के मैंगोज बहुत फेमस है ठीक है चौसा आम आता है तो यहां से एंट्री करती है बक्सर में ठीक है उसके बाद ये ट्रैवल करते हुए बारा डिस्ट्रिक्ट को चीरते हुए या क्रॉस करते हुए कटिहार से बाहर निकलती है ठीक है कहाँ से कटिहार से बाहर निकलती है टोटल लेंथ इन बिहार कितनी है तो फोर एट्टी फाइव कहीं जगह है एट्टी थ्री है कहीं जगह फोर फोर्टी फाइव है ठीक है तो एक बार आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा ठीक है फोर फोर्टी फाइव किलोमीटर्स इन बिहार ठीक है सबसे ज्यादा लेंथ जिसकी जो है वो पटना में पड़ती है पटना में ठीक है Important, अब ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे ठीक है कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं ठीक है बिहार में एंटर करने के बाद ये बाउंड्री किसके बीच में बनाती है तो ये आपका आरा और छपरा के बीच में बाउंड्री भी क्रिएट करती है कौन सी रिवर आपकी गंगा रिवर ठीक है चलिए अब देखते हैं रिवर सिस्टम कैसे कैसे वर्क कर रहा है इन बिहार ठीक है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं तो मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ठीक है नॉर्थ की ठीक है या उसको नॉर्थ वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको क्या बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ठीक तो अरेंज करेंगे ऊपर वाला जो आप कर्मनाशा देख रहे हैं, ये आपकी राइट बैंक गलती से लिखा गया है, है तो तो इंपॉर्टेंट जो घाघरा है सबसे पहली जो वेस्टर्न रिवर पड़ती है जो गंगा को कॉन्फ्लुएंस करती है वो घाघरा है मोस्ट वेस्टर्न रिवर है ठीक है गंगा की ट्रिब्यूटरी बिहार में उसके बाद गंडक है ठीक है उसके बाद बूढ़ी गंडक है कोसी है उसके बाद महानंदा है महानंदा ठीक है और ये बूढ़ी गंडक के बाद जो है कमला एंड बागमती दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं बागमती उसके बाद आपका कोशी आता है ये ध्यान दीजिएगा ये कमला और बागमती दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं कोशी की ठीक है ध्यान दीजिएगा चलिए तो देखते हैं कैसे कैसे है ठीक है ये भी देख लीजिए कौन सी रिवर कहाँ पे कॉन्फ्लुस कर रही है तो घाघरा पटना के पास में ज्वाइन करती है किसको गंगा को गंडक सोनपुर में ज्वाइन करती है गंगा को सोनपुर क्यों फेमस है? वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल फेयर यहाँ पे लगता है बिगेस्ट एनिमल फेयर लगता है ठीक है एनिमल फेयर लगता है कहां पे सोनपुर में सोनपुर में दुनिया का सबसे बड़ा जानवरों का मेला सोनपुर में लगता है सोनपुर इज इन सारण डिस्ट्रिक्ट ठीक है सारण सारण ठीक है अगर सारण से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो छपरा डिस्ट्रिक्ट में ठीक है छपरा एक है छपरा क्या है डिस्ट्रिक्ट का नाम है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है सारण ठीक है तो छपरा में सोनपुर का मेला लगता है ठीक चलिए बूढ़ी गंडक जो कि वेस्टर्न चंपारण से ही ओरिजिनेट होती है ये स्नोफेड रिवर नहीं है स्नोफेड नहीं है कहाँ से ओरिजिनेट होती है सोमेश्वर हिल रेंज जो कि बिहार की सबसे ऊंची हिल रेंज है क्या सबसे ऊंची हिल रेंज है सोमेश्वर ठीक है आठ मीटर यहीं से निकलती है आपकी बूढ़ी गंडक ठीक है और गंगा में खगड़िया के पास में जाके मिल जाती है ठीक है और कोशी जो है कुरशेला में ज्वाइन करती है गंगा को कोशी कहाँ पे ज्वाइन करती कुरशेला में कुरशेला कहाँ है आंसर इन कॉमेंट बॉक्स ठीक है चलिए चलिए अब रिवर्स को देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर हैं कैसे कैसे कहाँ मिल रही हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कि उनका ऑरिजिन कहाँ हुआ ठीक है कहाँ से निकली है क्या इंपॉर्टेंस है कितनी लेंथ है ये सारी चीजें वन बाय वन करके देखते हैं ठीक है लेट स्टार्ट तो गंगा ठीक है गंगा, गंगा तो बिहार में टोटल लेंथ कितनी है फोर किलोमीटर टोटल लेंथ गंगा, गंगा की कितनी है पच्चीस ठीक है सबसे ज्यादा इसकी लेंथ गंगा की कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में है। ऑबवियसली अगर आप गेस करेंगे तब भी सही आंसर आएगा उत्तर प्रदेश ठीक है ट्रिब्यूटरीज दैट फेड गंगा कम फ्रॉम टू वाटरशेड्स ठीक है टू वाटरशेड्स जो ट्रिब्यूटरीज गंगा को फेड करती हैं इन बिहार और ओवरऑल भी देखें तो वो भी ठीक है तो उसमें तो कई वाटरशेड्स आ जाएंगे लेकिन बिहार में जो ट्रिब्यूटरीज गंगा को फेड करती हैं वो दो वाटर शेड वाटर शेड एरिया से आती हैं एक तो आपका नॉर्थ तेराई रीजन वाला हिमालयन ठीक है या हिमालयन रिवर जो इधर से आ रही है सारी और एक जो है आपका छोटा नागपुर पठार से एक्सेप्ट सोन रिवर सोन कहाँ से आती है अमरकंटक हिल अमरकंटक मध्य प्रदेश ठीक है अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश अमरकंटक से और कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर पेनिसुलर रिवर निकलती है ठीक है जो कि बे ऑफ बंगाल में ना गिर के कहा गिरती है अरेबियन सी में वो है नर्मदा नर्मदा ठीक है नर्मदा ठीक नर्मदा और ये किससे बहती है तो रिफ्ट वैली से पास होती है ठीक है नर्मदा का इंपॉर्टेंस ये है नर्मदा और किस कौन कौन से पहाड़ियों के बीच में बहती है वो भी आप कमेंट में बता दीजिए नर्मदा ठीक चलिए तो नर्मदा कहाँ से निकलती है अमरकंटक से ये आपका मान लीजिए अमरकंटक हिल है तो इस साइड से सोन रिवर निकलती है और इस साइड से निकलती है आपकी नर्मदा नर्मदा और सोन ठीक है चलिए <laughs> सोन ऑल रिवर्स दैट जॉइन गंगा और द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन ठीक है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैव स्मॉल कैचमेंट एरियाज ठीक है इन कंट्रास्ट टू लेफ़्ट बैंड ट्रिब्यूटरीज क्यों क्योंकि जो आपकी लेफ्ट बैंड ट्रिब्यूटरीज हैं या नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की हैं ये ज़्यादातर कहाँ से हिमालय से निकलती हैं तो हिमालय से तो ये एक स्नोफेड होती हैं ठीक है स्नोफेड होती हैं तो ज़्यादा इनको क्या मिलता है पानी मिलता है ठीक है और जो यहाँ वाली भी रिवर हैं इनमें भी बारहों मास पानी रहता है क्यों क्योंकि यहाँ से जो आ रहा है ठीक है रिवर्स वो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर देती हैं जो ऊपर से रिवर आ रही है जो छोटी जैसे ये सोमेश्वर से बूढ़ी गंडक निकल रही है तो इसमें भी पानी की कमी नहीं रहती क्योंकि अदर छोटी छोटी स्ट्रीम्स इसको फेड करती रहती हैं ठीक है और ये जो रिवर्स हैं ये ये बस आपको बरसात में भरी हुई दिखेंगी बाकी टाइम खाली दिखेंगी ग्रेडियंट्स नहीं ले जाती अलुविला डिपॉजिट बहुत कम करती हैं ठीक है अलुविला डिपॉजिट बहुत कम करती हैं एक्सेप्ट इन द ताल रीजन ताल रीजन जो कि बेगूसराय से मोकामा वाला रीजन है उसमें ज़्यादातर ग्रेडियन डिपॉजिट होता है और थोड़ा सा छिछला रीजन छिछला इन द सेंस स्वेलो है गहरा है हल्का सा ठीक है तो ये अंतर है दोनों में ठीक है और इनका जो कैचमेंट एरिया है अपर रिवर वाला जो कैचमेंट एरिया है उनसे काफी कम है वैसे अगर ऐसे भी देखें तो टोटल जो प्लेन एरिया है इधर का ये सिक्सटी परसेंट कवर करता है ये लगभग थर्टी नाइन परसेंट कवर करता है ठीक है थर्टी नाइन फोर्टी परसेंट कवर करता है तो ये इंपॉर्टेंस है दोनों उसका ठीक है रिवर्स इन बिहार कैन बी स्टडीड अंडर टू कैटेगरीज ठीक है जो कि एक नॉर्थ से आती हैं दूसरी जो साउथ से आती हैं जैसे हमने बात करी कि जो प्लेटू वाली रिवर्स हैं और जो हिमालय से आती हैं हिमालय से और कुछ रिवर हैं जो हिमालय से नहीं बल्कि तैराई रीजन से ही निकल के आ रही होती हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं वन बाई वन सो दिस इज द वेस्ट मैप ठीक है जो कि आपका रिवर सिस्टम समझा सकता है बाकी जितने भी बिहार रिवर्स के मैप मिले हैं उनमें या तो डिस्ट्रिक्स कहीं गलत दिए हुए हैं या तो रिवर्स गलत दी हुई हैं तो ये सबसे सटीक मैप है रिवर्स ऑफ बिहार का ठीक है तो पहले देखते हैं घाघरा या सरयू रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो नामपा ग्लेशियर से ओरिजिन ओरिजिनेट होती है बेसिकली ये नेपाल लिखा हुआ है ये तिब्बत में पड़ता है कहाँ पे पड़ता है तिब्बत में पड़ता है ठीक है और वो काली रिवर जो है वो दो अलग है जो उत्तराखंड वाली है ये अलग है ठीक है याद ध्यान दीजिएगा चलिए इंटर सेंटर बिहार एट गोपालगंज कहाँ पे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है घाघरा ठीक है घाघरा कहाँ एंटर करती है सॉरी ये गोपालगंज में नहीं सिवान में ठीक है एन जॉइंस गंगा एट दोरीगंज इन छपरा तो गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है तो ये एरिया जो है ये है दोरीगंज कौन सा दोरीगंज छपरा यहाँ पे गंगा से मिलती है डोरीगंज छपरा में या सारण में गंगा से मिलती है कौन सी घाघरा और सबसे ज्यादा वेस्टर्न मोस्ट रिवर है वेस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर और उसमें ऑप्शन घाघरा है तो घाघरा आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है घाघरा चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड रिवर इज घाघरा के बाद हम देखेंगे गंडक ठीक है गंडक गंडक देखते हैं ठीक है तो गंडक रिवर ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है गंडक का ठीक है कहां से ऑरिजिन हो रहा है तो हिमालय से हो रहा है नॉर्थ ऑफ धौलागिरी इन तिब्बत ठीक है नियर नेपाल कितने हाइट धौलागिरी की हाइट छिहत्तर मीटर ठीक है तो गंडक रिवर ठीक है कहां से धौलागिरी नॉर्थ से धौलागिरी ठीक है कहां पे है धौलागिरी माउंटेन रेंज तो नेपाल में ठीक है लेकिन नेपाल के एकदम नॉर्थ में ठीक है इंटर बिहार नियर त्रिवेणी तो त्रिवेणी टाउन ये है ठीक है त्रिवेणी यहां से ये बिहार में एंटर करते त्रिवेणी टाउन बेसिकली नेपाल और उत्तर बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है ठीक है फ्लो साउथ ठीक है एंड फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड बिहार ठीक है तो देख रहे होंगे ये साउथ वर्ड फ्लो हो रही है और यूपी ये यूपी है और ये बिहार है यानी वेस्टर्न चंपारण है इसके बीच में शुरू में ये बॉर्डर क्रिएट करती है ठीक है डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा कवर होता है तो ऐसे देख लेते हैं बिना उसको देखे हुए तो कौन कौन सा सबसे पहले तो वेस्टर्न चंपारण ही होगा राइट सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा टच करेगी वेस्टर्न चंपारण गंडक रिवर सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो ये टच करती है वेस्टर्न चंपारण फिर उसके बाद गोपालगंज में एंटर कर रही है नहीं तो उसके बाद ईस्टर्न चंपारण या मोतिहारी बेतिया मोतिहारी ठीक है उसके बाद मुजफ्फरपुर ठीक है मुजफ्फरपुर ठीक तो मुजफ्फरपुर भी है ठीक है गोपालगंज नहीं है ठीक गोपाल है गोपालगंज है गोपालगंज गोपालगंज भी है ठीक है सिवान नहीं है सिवान काट दीजिएगा का सारण है एंड वैशाली है तो आप देख रहे होंगे ये सारण यानी छपरा वाला रीजन भी और ये वैशाली वाला रीजन भी टच कर रही है ठीक है तो सारण और वैशाली में ज्वाइंस गंगा एट सोनपुर कहाँ पे गंगा को ज्वाइन करती है तो हमने बताया था कि सोनपुर यानी ये छपरा वाला रीजन यहाँ पे ज्वाइन करती है सोनपुर सोनपुर सारण में गंगा को ज्वाइन करती है कौन सी रिवर आपकी गंडक रिवर गंडक रिवर सोनपुर में छपरा को ज्वाइन करती है छपरा को कह रहे हैं सोनपुर छपरा में गंगा को ज्वाइन करती है इसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है वो भवासा है हरहा रिवर है और राइट में ककरा रिवर है तो कल हमने पढ़ा था कि हरहा रिवर वैली या दून वैली क्या है ठीक है दून वैली या हरहा रिवर वैली तो वही वह सी रिवर की वैली है हरहा रिवर वैली और हरहा रिवर कहाँ पड़ती है यहाँ पे ये आपका जो वैली एरिया है ये ये हरहा रिवर वैली है और ये दून एरिया है ठीक है ये ये इधर जो है पूरा रेड आपको दिख रहा है ये दून एरिया है और बीच में ये वैली एरिया है और ये सोमेश्वर हिल रेंज है ठीक है तो हरहा रिवर इसकी लेफ्ट बैंक टेरिटरी है फीड्स वाटर इन त्रिवेणी कनाल त्रिवेणी कनाल कौन कौन के स्टेट के सहयोग से बना है वो आप कॉमेंट में बताइए ठीक है चलिए आगे चलते हैं हमने देख लिया गंडक अभी किस पे चलते हैं बूढ़ी गंडक बूढ़ी गंडक जो है ये हिमालय या स्नो फेड रिवर नहीं है हिमालय के काफी नीचे से ऑरिजिनेट होती है बेसिकली हिमालय से ही शिवालिक रेंज से ऑरिजिनेट होती है तो स्नोफेड नहीं है शिवालिक रेंज में आपको स्नो नहीं मिलेगा क्योंकि शिवालिक रेंज सबसे आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय और इसकी एवरेज हाइट कितनी है एवरेज हाइट कितनी है बताइए 1800 से 2500 मीटर ठीक है तो इतने हाइट पे आपको स्नो पीड नहीं दिखेंगे ठीक है चलिए तो ओरिजिन कहां पे होता है सोमेश्वर में सोमेश्वर वेस्टर्न चंपारण में ठीक है वेस्टर्न चंपारण में बूढ़ी गंडक का ओरिजिन हो रहा है ठीक है और वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बेगूसराय फाइनली खगड़िया में जाके ये क्या होती है गंगा से मिल जाती है कहां से मिलती है खगड़िया में किससे मिलती है बूढ़ी गंडक तो गंगा से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रही है तो वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर एंड बेगूसराय ठीक है नाउ खगरिया तो एक दो तीन चार पाँच छिस्ट्रिक्ट कवर कर रही है लेफ्ट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरी है मसान बलोर पंडई सिक्ता तिलावे और त्यूर रिवर ठीक है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो इधर से ज्वाइन कर रही होंगी ठीक है धनौती कोहरा और डांडा ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं बूढ़ी गंडक की तो गंडक

इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लीज अच्छे से करके जाइए ठीक है बागमती रिवर ठीक है आपको वेस्ट टू ईस्ट क्रम भी पता होना चाहिए ऐसे भी पूछ सकता है ठीक है तो घाघरा सबसे वेस्टर्न ठीक है तो इसको नंबर दे देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है नंबर ठीक है तो ऐसे लिख ही लेते हैं तो सबसे वेस्ट में घाघरा उसके बाद गंडक फिर बूढ़ी गंडक फिर बूढ़ी गंडक के बाद बागमती बागमती अधवारा अधवारा फिर ये आपको क्रम पता होना चाहिए फिर अधवारा के बाद कमला कई बार इसको कमला बालन भी कहते हैं क्योंकि बालन रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है कमला के बाद फिर डायरेक्ट आप कोसी दे सकते हो छोटी रिवर है बाकी ठीक है उसके बाद कोसी के बाद महानंदा महा नंदा तो सबसे जो है ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की इन बिहार इज महानंदा और वेस्टर्न मोस्ट इज घाघरा ठीक है ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा ठीक है कोशी मेची परियोजना या प्रोजेक्ट जो है काफी न्यूज़ में रहा है तो ये पूछा जा सकता है कि मेची जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है तो मेची रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर ठीक है और महानंदा रिवर जो है वो कॉन्फ्लुएंस करती है वेस्ट बंगाल में किसके साथ गंगा के साथ बिहार में नहीं करती है अदर रिवर्स ये सारी बिहार में कॉन्फ्लुएंस करती हैं बागमती हवारा और कमला ठीक है ये कहीं ना कहीं कोसी के साथ जो है और जो है बागमती जैसे कमला के साथ तो ये कोसी के साथ ट्रिब्यूटरी है डायरेक्ट गंगा की ट्रिब्यूटरीज नहीं है ठीक है तो एक, एक करके देखते हैं ये आपको क्रम पता होना चाहिए चलिए तो कहाँ से निकलती है बागमती शिवपुरी रेंज ऑफ हिल्स से नेपाल से निकलती है काठमांडू के पास से बेसिकली नदन स्लोप जो काठमांडू का है काठमांडू हिल्स का वहाँ से निकलती है इंडियन टेरिटरी में इंटर करती है सोरवटिया विलेज सीतामढ़ी में कहाँ पे इंटर करती है बागमती तो बागमती सोरवटिया विलेज सीतामढ़ी में इंटर करती है ठीक है और सीतामढ़ी शिवहर होके होते हुए आपका ये दरभंगा और किसमें किसको ये करती है ये कमला की ट्रिब्यूटरी है कमला में मिल जाती है वन सेकेंड गाइज थोड़ा सा एक सेकेंड हेलो अभी कर रहे हैं क्लास ले रहे हैं हम्म hmm, बनो ओके तो बागमती रिवर हम कवर कर रहे थे तो बागमती में हमने क्या देखा कि शिवपुरी हिल रेंज के से निकलती है कहाँ पे है शिवपुरी हिल रेंज नेपाल में ने, काठमांडू में ठीक है इंडियन टेरिटरी में सरहटिया विलेज सरहटिया विलेज सीतामढ़ी के पास ये इंटर करती है ठीक है सीतामढ़ी के पास इंडियन टेरिटरी में इंटर करती है चलिए कोशी रिवर को ज्वाइन करती है बदला घाट में बदला घाट कहाँ पे है बदला घाट ये आपका सहरसा में पड़ता है ठीक है कौन से डिस्ट्रिक्ट में सहरसा में टोटल लेंथ 589 किलोमीटर है ठीक है और कितना ट्रेवल करती है एक किलोमीटर इसमें नेपाल में और 394 किलोमीटर इसकी लेंथ है बिहार में कितनी है तीन किलोमीटर तो काफी अच्छी खासी लेंथ है इसकी बिहार में ठीक है मेजर ट्रेबिटरी है लाल बकिया और लखनदेई रिवर ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट रखिए क्योंकि लखनदेई रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ठीक है लखनदेई पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है तो ललबकिया और लखनदेई किसकी ट्रिब्यूटरी है बागमती की बागमती की और बागमती किसकी ट्रिब्यूटरी है तो कोसी की किसकी है कोसी रिवर की ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हमने बोला था कि डायरेक्ट गंगा को नहीं ज्वाइन करती है बागमती नाव कमला रिवर ठीक है कमला रिवर महाभारत रेंज नेपाल से ओरिजिनेट होती है ठीक है महाभारत रेंज नेपाल से ओरिजिनेट होती है ठीक है नियर सिंधुली गरी सिंधुली गरी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा ठीक है कि कहां से बस आपको पता होना चाहिए कि नेपाल से निकलती है महाभारत इंडियन टेरिटरी कहां से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो जयनगर टाउन के पास से इंटर करती है जयनगर टाउन क्या बिहार में है ठीक है अभी यहाँ पे एक रेलवे प्रोजेक्ट जो चालू हुआ था रेलवे ट्रैक डेवलप हुआ था जयनगर तक ठीक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर का पार्ट है कमला बैराज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट नियर जयनगर तो कमला बैराज इस पे बनाया गया है किसके द्वारा बिहार के द्वारा जयनगर के पास में ठीक है कारे या बागमती का एक नाम और क्या मिला हमको बागमती को कारे नाम से भी जानते हैं कारे ठीक है कारे रिवर एट बदला घाट बदला घाट यही हमने बताया था कि सहरसा के पास में पड़ता है ठीक है सहरसा ठीक है चलिए टोटल लेंथ तीन किलोमीटर है 208 किलोमीटर नेपाल में और 120 किलोमीटर बिहार में ठीक है तो वो देख रहे थे उसकी उसकी लेंथ बिहार में काफी ज्यादा थी कमल, उसकी बागमती की इसकी कम है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मैनावती धौरी सोनी बालन और त्रिशूला बालन मतलब रिवर ही होता है ठीक है सोनी बालन और त्रिशूला ठीक है तो हमने क्या क्या देख लिया कमला तक देख लिया अभी हम क्या देखेंगे आगे कोसी रिवर ठीक है कोसी रिवर जो कि ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है तो सौरव ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है लेकिन जो पीछे दो रिवर्स पड़ी हैं कमला और बागमती ये भी अपने कोर्सेज को चेंज करने के लिए जानी जाती हैं और इनके कैचमेंट एरिया में नंबर ऑफ छुआर्स आपको देखने को मिलेंगे वट आर छुआर्स छुआर्स वही एरिया होती हैं जहाँ पे पानी जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है तो मान लीजिए इसका कोर्स ये रहा हो ठीक है कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही है ऐसे तो इसका कोर्स ये रहा हो ठीक है ये रहा हो और ये मैं करके इधर चली गई तो बीच का जो एरिया है इसमें पानी जमा हो जाता है और ये सैलो रीजन होता है ठीक है उतना गहरा नहीं होता तो इसको छुआर्स कहते हैं ठीक है इसके सिमिलर प्रॉपर्टी है टू द ताल रिव ताल जो रीजन है आपका सदन बिहार का उसी तरह से तो बागमती और कमला दोनों ने नंबर ऑफ छुआर्स डेवलप किए हैं ड्यू टू दियर प्रॉपर्टीज म प्रपर्टी तो मियंडर वगैरा तो आप लोग जानते ही होंगे ठीक है चलिए अब बात करते हैं तो ये कहाँ पे निकलती है हिमालयाज में ठीक है अपर कैचमेंट इन नेपाल एंड तिब्बत ठीक है तो नेपाल ये मान लीजिए आपका नेपाल है ठीक है नेपाल तो इसके अपर कैचमेंट में यहाँ से निकलती है ठीक है और ये वहां पे नेपाल में आपको कितनी इसकी स्ट्रीम्स हैं सात स्ट्रीम्स होती हैं मेजर स्ट्रीम्स जिसकी वजह से इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है ठीक है सप्तकोशी ठीक है तो अपर कैचमेंट माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा इन कैचमेंट एरिया इसके पड़ते हैं सप्तकोशी इन नेपाल फॉर सेवन अपर ट्रेबिटरीज ठीक है इसलिए सप्तकोशी नेपाल में जाना जाता है नाम से ठीक है इंडिया में हनुमान नगर में नेपाल में नेपाल के हनुमान नगर के पास से इंडिया में इंटर करती है ठीक है इंटर करती है टोटल लेंथ जो इसकी है इसकी बिहार में 260 किलोमीटर है तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये बागमती से छोटी है बिहार में बागमती की लेंथ इससे ज्यादा है ठीक है चलिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो फरियानी धेमना और राइट right बैंक में बागमती कमला और भूति और त्रिजुगा ठीक है तो कमला बालन बागमती बालन, भूति बालन और त्रिजुगा ये इसकी कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है तो ये चेंजिंग ऑफ इट्स कोर्स के लिए जानी जाती है इसलिए इसको सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है ठीक है चलिए कोसी रिवर को आप देख लीजिए तो कहाँ पे है ये कोसी रिवर और इंटर करती है बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से सुपौल डिस्ट्रिक्ट में बिहार में इंटर करती है ठीक और ये गंगा में कहाँ मिलती है कोसी गंगा में कहाँ मिलती है तो खगरिया रेज खगरिया में गंगा में मिलती है और जगह का नाम जगह का नाम क्या है कुरसेला सॉरी खगरिया में कटिहार में कुरसेला कटिहार में ये गंगा में मिलती है ये रहा पुरसेला, ठीक है कटिहार में गंगा में मिलती है ठीक है तो मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की कोसी ध्यान दीजिएगा इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी अगली इंपॉर्टेंट रिवर नर्दन रिवर वो है महानंदा रिवर सॉरी <coughs> तो महानंदा रिवर आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये रही आपकी महानंदा रिवर तो ये कहाँ से निकल रही है तो दार्जिलिंग हिल्स से निकलती दार्जिलिंग हिल्स सिक्किम ठीक है हिल सिक्किम से निकलती है ठीक है पहले यहाँ पे एक बार ये वेस्ट जो है वेस्ट बंगाल में जाके फिर आती वापस ठीक है ऐसे इस तरह से इसका तो महानंदा रिवर सिक्किम में ओरिजिनेट होती है पूर्णिया में एंटर करती है ठीक है पूर्णिया में एंटर करती है ठीक पूर्णिया में ये एंटर करती है यहाँ पे ठीक फ्रॉम ईस्टवर्ड लिंग्विस्टिक बाउंड्री बिटवीन बंगाली एंड हिंदी स्पीकिंग पीपल तो ये एक बाउंड्री बनाती है इधर जो लोग बोलते हैं बंगाली बोलते हैं और इधर हिंदी या भोजपुरी स्पीकिंग पीपल हो ठीक है तो वो आप लोगों को पता है गंगा को नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में ज्वाइन करती है बलसोन रतवा और कनका इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं तो इसके बारे में बहुत कुछ जानना नहीं है मेची रिवर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इन बिहार वो हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है तो हमने कितना नदन रिवर सारी जो है या लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इन बिहार कवर कर ली है ठीक है अभी मुझे नहीं लगता है कि पंद्रह बीस मिनट से ऊपर हुआ होगा नाउ ये आप जो है अभी हम कवर करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और सदन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ठीक है देखते चलेंगे ठीक चलिए सबसे पहले नाम आता है सोन का लेकिन सोन से भी पहले नाम आना चाहिए कर्मनाशा का क्योंकि सोन से पहले वो गंगा में मिलती है ठीक है तो वेस्ट टू ईस्ट देखें तो करमनाशा रिवर ये जा रही है ठीक है सॉरी करमनासा रिवर ये है आपकी करमनासा रिवर ठीक और ये कैमूर में कैमूर से होते हुए आपकी बक्सर में चौसा के पास में किससे मिलती है गंगा से मिलती है ठीक है तो पहले आप जो अगर वेस्टर्न देखें तो ये करमनासा रिवर है। पहली करमनासा फिर सोन फिर पुनपुन -पुन, फिर जो है आपकी फाल्गू फिर सिकरी फिर जो है पंचनाग फिर क्यूल फिर चंदन फिर अजय ठीक अजय यहाँ से उनके ऐसे मिलती है गंगा में ये ध्यान दीजिए मुंगेर से निकलती है अजय इधर यहाँ बिहार में गंगा में नहीं मिलती है मुंगेर से निकलती है तो अजय रिवर सबसे आपकी ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है ठीक है ईस्टर्न मोस्ट गंगा की ट्रिब्यूटरी है लेकिन ये गंगा को कहा वेस्ट बंगाल में ट्रिब्यूट करती है ठीक है वेस्ट बंगाल में और कर्मनाशा बिहार में ठीक है कर्मनाशा बिहार में तो ये वेस्टर्न मोस्ट है तो इसको एक नंबर दो तीन चार पाँच छ सात और नौ ये नाइन रिवर्स हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे तो पहले सोन देखते हैं ठीक है कर्मनाशा आपको पता चल गया कर्मनाशा रोहतास हिल से ही निकलती है ठीक है कर्मनाशा रिवर जो आपकी ये कैमूर की पहाड़ियां हैं रोहतास हिल से ही निकलती है ये रोहतास हिल है यहाँ से कहीं से ये कर्मनाशा निकलती है और बक्सर में चौसा के पास में किससे मिलती है गंगा से मिलती है ठीक है गंगा से मतलब गंगा जब इंटर करती है बिहार में तभी उसको कर्मनाशा ज्वाइन कर लेती है ठीक है चलिए तो कर्मनाथा के बारे में देख लिया अब हम देखते हैं सोन के बारे में तो कहाँ से निकलती है अमरकंटक हिल से ठीक है अमरकंटक हिल से मध्य प्रदेश में ईस्ट ऑफ नर्मदा ठीक है फ्लोज नॉर्थ वेस्ट ठीक है तो पहले जब यहाँ से निकलती है एमपी में कहीं अमरकंटक हिल्स यहाँ है तो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करती है ठीक है लेकिन जब यहाँ आने के बाद ठीक है यहाँ आने के बाद इसका जो डायरेक्शन ऐसे हो जाता है ठीक है ये है डायरेक्शन करमनासा इसका ठीक है नॉर्थ वेस्ट थ्रो मध्य प्रदेश टर्न्स ईस्ट एट कैमूर रेंज तो ये कैमूर रेंज है यहाँ से आइए ईस्ट में चेंज कर जाती है ठीक है चीफ ट्रेबरी रिहंद है और नॉर्थ कोयल है नॉर्थ कोयल कहाँ पे झारखंड में ठीक है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर डीप ग्रेडियंट है इसका क्विक रन ऑफ है और एफर्मल रेजइम है ठीक है ज्वाइन करती है गंगा को दानापुर पटना के पास में यानी 12 से 15 किलोमीटर पटना से पहले ठीक है ज्वाइन कर लेती है हैज टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग कोर्स इन बट इट डेहरी ऑन सोन बैरेज और इंद्रपुरी बैरेज तो डेहरी और सोन डेहरी और इंद्रपुरी बैराज जो है बना के जो इसका फ्लडिंग रोका गया है इससे भी फ्लड होता था इस वाले जो आपका कैमूर की पहाड़ियां हैं रोहतास और कैमूर वाले रीजन में फ्लड करती थी ये ठीक है तो इसको दो बैरज एक इंद्रपुरी और एक डेहरी ऑन सोन बैरेज से इसका फ्लडिंग को कंट्रोल किया गया है ठीक है ध्यान दीजिएगा तो हमने देख लिया सोन के बारे में जितना था इतना ही था तो कहाँ पे पटना से थोड़ा सा पहले कहाँ पे दानापुर में ज्वाइन करती है दानापुर में ठीक है ध्यान दीजिए

और ये कहाँ पड़ता है मुंगेर में याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करुणती नदी और खजुरी नदी इसकी इंपॉर्टेंट किसकी करमनासा की थी। ठीक है उसके बाद देखते हैं पुनपुन रिवर सिस्टम ठीक है पुनपुन ये रहा तो कहाँ से निकलता है ये झारखंड से निकलती है ओरिजिनेट फ्रॉम हजारीबाग प्लेट्यू और गंगा को ज्वाइन करती है फतुहा पटना के पास में ठीक है तो पुनपुन रिवर कहाँ से निकलती है ये है पुनपुन तो ये फतुहा है फतुहा और ये निकल रही है ऐसे देखते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा ठीक है ठीक तो ये पुनपुन -पुन आपकी ये हजारीबाग से हजारीबाग प्लेटों से निकल रही है और ये फतुहा में गंगा को सॉरी फतुहा में गंगा को ज्वाइन करती ठीक फतूहा याद तो रखिएगा ठीक बस इतना ही इसके बारे में जानना है इससे ज़्यादा कुछ जानने का नहीं है ठीक है तो हमने इसमें कहाँ पे देखा पुनपुन कहाँ पे है तो ये है पुनपुन -पुन रिवर ठीक है औरंगाबाद से एंटर करती है ठीक है और ये जाके पटना में फतुहा के पास गंगा को ज्वाइन कर लेती पुन है ठीक चलिए पुनपुन रिवर ठीक है दो किलोमीटर लॉन्ग है मोस्टली रेनफेड है और कैरिज लिटिल वाटर इन ड्राई सीजन यानी समर्स में बहुत कम पानी होता है ये सारी जो नदियां हैं आपकी जो नागपुर प्लेटू रीजन से या सदन प्लेटू रीजन से निकलती हैं उनका यही हाल है कैन कॉज हैवी फ्लड ड्यूरिंग रेन्स डैमेजिंग एरिया ईस्ट टू पटना सिटी ठीक है क्योंकि ईस्ट में जो पटना की सिटी का जो एरिया है वो थोड़ा सा लो लाइंग एरिया है इस वजह से यहाँ पे फ्लड आने की संभावना रहती है और पानी रहेगा ज्यादा तो और फ्लडिंग होगी क्यों क्योंकि वो ताल रीजन है जो कि कहाँ से बेगूसराय टू मुकामा वाला एरिया ठीक है ताल रीजन चीफ ट्रिब्यूटरीज बातने दोरधा मदार और मुरहार ठीक है मदार और मुरहार पे क्वेश्चन अलग अलग स्टेट पी में पूछा गया है तो ये मदार और मुरहार और स्टेट पीएससी का ज़्यादातर जो नेचर होता है ये कहीं जो क्वेश्चन पूछे होते हैं उनको उठा के पूछ लेते हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मदार मुरहार बातने और दोरधा आर दी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ पुनपुन रिवर ठीक है पुनपुन रिवर चलिए अगला नदी सिस्टम जो हम देखेंगे बिहार का वो है फलगू रिवर फलगू रिवर क्या है फलगू रिवर हैज एन इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस महात्मा बुद्ध इसी नदी के किनारे उनको एनलाइटमेंट हुआ था ठीक है वो बुद्ध बने थे सिद्धार्थ से बुद्ध में उनका कन्वर्जन हुआ था रिवर का नाम था निरंजना निरंजना एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ फलगू रिवर कई बार निरंजना और फल्गू रिवर को सिमिलर या सिमली की तरह यूज किया जाता है या एक ही रिवर माना जाता है बट इन ट्रूथ फलगू एंड निरंजना आर टू डिफरेंट रिवर्स वो एक स्ट्रीम है किसकी फलगू रिवर की ठीक है चलिए तो फलगू रिवर इज फॉर्म बाई कॉन्फ्लुस ऑफ लीलाजन लीलाजन जिसको हम निरंजना कहते हैं ठीक है लीलाजन और मोहाना रिवर दोनों रिवर्स का नाम याद रखेंगे कौन कौन सी रिवर लीलाजन और मोहाना रिवर इसको निरंजना के नाम से भी जानते हैं जो ये लीलाजन ठीक है तो मोहाना मोहाना और लीलाजन मिला के क्या बनाती है फलगु या मोहाना और निरंजना मिलके फलगु रिवर बनाती हैं एंशियंट टाइम में जहाँ पे फलगु रिवर निरंजना के किनारे जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान का क्या नाम है उर्वेला उर्वेला इज द एंशियंट नेम ऑफ बोध गया तो बोध गया को हम जो है इतिहास में किस नाम से जानते हैं तो उरुवेला के नाम से जानते हैं उरुवेल के नाम से जानते हैं ठीक है चलिए अगली रिवर है क्यूल रिवर ठीक है पंचनाग भी है लेकिन अब क्यूल देखेंगे क्यूल रिवर इज़ एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ बिहार ठीक है ओरिजिनेट कहाँ होती है गिरडी गिरडी से वासेपुर देखा है आप लोगों ने गिरडी 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 वही गिरडी है ठीक है तो गिरडी से ओरिजिनेट होती है तीसरी हिल से तीसरी हिल खरगडीहा पॉलिस एरिया के पास में यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से गिरडी ठीक है अब झारखंड यानी कहा से हजारीबाग प्लेट्यू से ही तो प्लेट्यू पूछा तो हजारीबाग ठीक है और टू भी प्रिसाइज पूछ लिया तो गिरडी डिस्ट्रिक्ट तीसरी हिल्स नियर खरगडिया पुलिस स्टेशन खरगडिया पुलिस स्टेशन नहीं पूछेगा ठीक है अब झारखंड एंड क्लोज थ्रो जमुई तो पहले फिर लखीसराय ठीक है तो पहले जमुई में जाती है कहाँ पे जमुई में फिर लखीसराय में ठीक है तो ये देखिए ये आपका यहाँ से ऐसे जमुई और लखीसराय फिर जाके गंगा में मिल जाती है ठीक है मैप देखें तो इस तरह से ये जमुई वाला एरिया है फिर लखीसराय और गंगा में मिल जाती है फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस किसका जमुई और लखीसराय का ठीक है एक नेहरू जॉर्ज भी बनाती है बरनार अलाई और अंजान जो है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कहाँ पे लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे बरनार अलाई और अनजान लखीसराय वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पे गंगा जल टू में सारी चीजें दिखाई गई हैं लखीसराय वाला एरिया ठीक है जहां पे प्रियंका चोपड़ा जाती हैं प्लीज बिलो स्ट्री पासिस बिलो रेलवे ब्रिज बिटवीन क्यूल जंक्शन एंड लखीसराय स्टेशन इज ज्वाइन बाई हरोहर रिवर अभी बात किया था हरोहर तो हरोहर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कंटिन्यूएशन ऑफ सकरी रिवर है तो सकरी हरोहर रिवर क्या है कंटिन्यूएशन ऑफ सकरी रिवर है मतलब आगे जाके उसका सकरी रिवर ना हो जाता है नॉर्थ ऑफ दैट प्लेस नियर रहुआ घाट लखीसराय में रहुआ घाट है देन टर्न्स ड्यू ईस्ट एंड फॉल्स इनटू गंगाज या गंगा में नियर सूरजगढ़ा सूरजगढ़ा के पास ये गंगा में चली जाती है सूरजगढ़ा लखीसराय में है ये टोटल लेंथ इन बिहार इज 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर का ठीक है एक बार चेक कर लीजिएगा चलिए नाउ एन अदर इंपॉर्टेंट रिवर इज अजय रिवर ठीक है अजय रिवर अजय रिवर क्या है कहाँ से निकलती है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ठीक है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से ठीक है तो यहाँ से कहीं ये निकलती है और ऐसे जाके यहाँ गंगा में मिलती है ठीक है याद रखिएगा बिहार में गंगा में नहीं मिलती है तो साउथ वेस्ट ऑफ मुंगेर इन बिहार से निकलती है फ्लो थ्रो झारखंड ठीक है तो पहले ये झारखंड में जाती है फिर ये वेस्ट बंगाल में जाती है ठीक है एंड इंटर वेस्ट बंगाल एट सिमझुरी नियर चितरंजन चितरंजन के पास में जो है ये वेस्ट बंगाल में इंटर करती है चित्रंजन में लोकोमोटिव्स है लोकोमोटिव्स है कौन सा है डीजल है कि इलेक्ट्रिक है ये बताइए लोकोमोटिव्स ठीक है जॉइंस भागीरथी रिवर भागीरथी यानी गंगा रिवर एट कटवा टाउन कहाँ पे वर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में ठीक है वर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में. में टोटल लेंथ कितनी है दो सौ किलोमीटर है और एक किलोमीटर कहाँ पे है वेस्ट बंगाल में बहुत छोटा सा एरिया है बिहार में निकलते ही बाहर निकल जाती है ठीक है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी पथरों जयंती झारखंड में जो पड़ती है पथरों और जयंती कहाँ पे है झारखंड में पथरो और तमुनी और कुनूर ये वर्तमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ठीक है किसकी अजय रिवर की ठीक है अब एक और इंपॉर्टेंट रिवर बचती है अभी वो है चंदन रिवर ठीक है अजय सबसे

महाजनपद लोकेटेड तो चंदन या चंपा वहीं से नाम आया है इट वुड हैव ऑल्सो एंड नेबरिंग मगधा तो ये बॉर्डर भी क्रिएट कर सकता था मतलब माना जाता है ये बॉर्डर रिवर रही होगी बिटवीन मगध और अंग महाजनपद ठीक है तो अभी जो है आईआईटी कानपुर को 2021 में चंदन रिवर से एक्सक्वेशन के लिए ठीक है ये या इसको पैलियो चैनल ठीक है कई काफी सूख चुकी है एलियो चैनलिंग के लिए प्रोजेक्ट दिया गया है कि यहाँ पे काफ़ी अवशेष मिल सकते हैं ठीक है अवशेष मिल सकते हैं और चंपा में जो भी डायनेस्टी रही हो या अंग का एंशंट जो है विवरण यहाँ पे मिल सकता है ठीक है इसलिए आईआईटी कानपुर को इस प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी दिया गया है ध्यान दीजिएगा किसकी चंदन रिवर की इसलिए इसको पढ़ाया गया इसको नहीं कवर करते ठीक है तो चंदन रिवर इस बार इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर ठीक है करंट अफेयर ठीक चंदन रिवर चलिए आगे बढ़ते हैं रिवर्स तो हो गई और क्या बचता है तो रिवर्स के बाद नंबर आता है वाटर फॉल्स का ठीक वाटर है वाटरफॉल्स से बिहार में हर बार क्वेश्चन पूछता है बट वाटरफॉल्स में बहुत ज़्यादा डीप वैसा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं क्योंकि वैसा कुछ पूछने वाला नहीं है ठीक है तो दो तीन जगह है एक तो आपका कैमूर वाला रेंज दूसरा मुंगेर वाला मतलब भीम बांध हिल्स वाला जो आपका खरगपुर हिल्स है तो यहीं पे आपको वाटरफॉल्स स्प्रिंग्स सारी चीजें मिलेंगी तो उसको बस ऐसे ही देख लेते हैं तो रिवर्स को एक बार हम लोग फिर से याद कर लेते हैं तो पहला गंगा ऑरिजिन कहाँ होता है गंगोत्री में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है लेंथ इन बिहार इज फोर फोर्टी फाइव किलोमीटर एंट्री कहाँ से होती है बक्सर में बक्सर में स्थान चौसा निकलती कहाँ से है कटिहार से ठीक है सबसे ज़्यादा लेंथ कहाँ है पटना में ठीक है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बारह कवर करती है ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा घाघरा रिवर तो नामदफा नामपदा नामपदा से निकलती है नामपदा कहाँ तिब्बत में ठीक है डेस्टिनेशन कहाँ है तो ये छपरा में गंगा से मिल जाती है छपरा में किससे मिलती है गंगा से ठीक है टोटल लेंथ इन बिहार तिरासी किलोमीटर और एंट्री इन बिहार सारण में ठीक है सारण सारण या छपरा ठीक है चलिए गंडक कहाँ से निकलती है तिब्बत से हाजीपुर में एंट्री करती है बिहार में सॉरी हाजीपुर में हाजीपुर पटना में ये गंगा से मिल जाती है डेस्टिनेशन यानी गंगा से मिल जाती है और त्रिवेणी वेस्टर्न चंपारण से एंटर करती है ठीक है इंटर कहां से करती है वेस्टर्न चंपारण त्रिवेणी से ठीक है फिर से देखते हैं एक बार तो थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है ठीक है तो कैसे कैसे देखें गंगा देख लिया घाघरा घाघरा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी गंगा की ये ऊपर मेन रिवर है उसके बाद सारी की सारी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो ये वेस्टर्न मोस्ट है और ये ईस्टर्न मोस्ट है ठीक है तो घाघरा पहली कहां से निकलती है से कहां से से तिब्बत ठीक है छपरा में इसका डेस्टिनेशन है छपरा या सारण में मिलती है किससे गंगा से किलोमीटर टोटल लेंथ बिहार में है और एंट्री भी कहां से करती है घाघरा तो सारण से ही ठीक है गंडक की बात करें तो तिब्बत से निकलती है और त्रिवेणी वेस्टर्न चंपारण से बिहार में एंट्री करती है 260 किलोमीटर बिहार में टोटल लेंथ है और हाजीपुर पटना के पास में से मिलती है गंगा से बूढ़ी गंडक सोमेश्वर हिल रेंज से निकलती है चंपारण से यानी इंटर करेगी क्योंकि बिहार की ही नदी है ठीक तो ठीक है है तो वेस्टर्न चंपारण से मुंगेर में आके मिल जाती है 320 किलोमीटर ये जो जगहें है ना बागमती महाभारत रेंज कोशी की ट्रिब्यूटरी है तीन सौ चौरानवे किलोमीटर सबसे ज्यादा लेंथ है इसकी बिहार में तो सबसे बड़ी नदी अगर बिहार की पूछा गया आफ्टर गंगा तो कौन हो जाती है तो बागमती हो जाती है याद रखिएगा बागमती हो जाती है ठीक है उसके बाद कौन सी आती है उसके बाद महानंदा है तीन किलोमीटर ठीक है याद रखिएगा नहीं ये इसका थोड़ा सा कम होगा इसको एक बार चेक कर लीजिएगा बिहार में कितना है ठीक है उसके बाद कमला देखते हैं महाभारत रेंज से बागमती और कमला दोनों महाभारत रेंज से ही निकलती है ठीक है और ये बागमती की ट्रिब्यूटरी है 120 किलोमीटर टोटल बिहार में मधुबनी जयनगर से एंटर करती है कोसी शप्त कोसी कुरुशेला कटिहार में एंटर मतलब मिल जाती है और हनुमान हनुमान नगर में ये इंटर करती है इंडिया में या बिहार में महानंदा दार्जिलिंग से कटिहार में मिल जाती है पूर्णिया से एंटर करती है तो यही इंपॉर्टेंट है आपकी नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज या लेफ्ट बैंक बैंक ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज ऑफ ऑफ गंगा गंगा ठीक है अब राइट right या साउथ वाली नदियां जो बिहार की हैं हैं उनको देखते है। तो सबसे पहले विंध्यन रेंज से निकलती है यानी रोहतास से रोहतास हिल्स या कैमूर हिल्स कुछ भी दे दिया ठीक है सारा कुछ सही है क्योंकि वो विंध्यन हिल्स का ही पार्ट है ठीक है डेस्टिनेशन यानी गंगा में मिलती है चौसा में और एंट्री इसकी बक्सर में होती है यानी चौसा के पास में ही ठीक है सोन नदी अमरकंटक हिल्स गंगा में पटना के पास में निकलती है सारण में एंटर करती है पुनपुन पलामू से निकलती है फतुहा में गंगा से मिलती है त्रिवेणी से इंटर करती है सॉरी एंट्री त्रिवेणी गलत है पुनपुन ठीक -पुन, है फलगु छोटा नागपुर प्लेट्यू मुंगेर में मिलती है चंपारण से निकलती है, मतलब इंटर करती है चोल रिवर गिरडी से निकलती है और सूरजगढ़ा में मिलती है गंगा से और जमुई में इंटर करती है कहाँ पे बिहार में ठीक है तो अजय रिवर मुंगेर में इसका ओरिजिन होता है और भागीरथी में मिलती है कहाँ पे बांग्लादेश में या वेस्ट बंगाल में ठीक है बस इतना आपको सारी रिवर का पता चल गया ठीक है इसके बाद देखते हैं हम क्या वाटरफॉल्स ऑफ बिहार इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ बिहार ठीक है वाटरफॉल्स बिहार में ज़्यादा ऊँचे तो है नहीं ठीक है हाइट पे एक विवाद हुआ था उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था वाटरफॉल्स पे तो शायद ही हाइट पूछा जाए क्योंकि अभी तक हाइट नहीं पूछी गई तो वाटरफॉल्स देख लेते हैं प्रॉपर सीनिक प्लेसेस होते हैं टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट बिहार में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से काकोलात वाटरफॉल्स ठीक है तो कहाँ पे पड़ता है काकोलात तो ये आपका नवादा डिस्ट्रिक्ट है ठीक है तो यहीं पे पड़ता है काकोलात वाटरफॉल ठीक है काकोलात वाटरफॉल और सबसे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है बिहार गवर्नमेंट का या बिहार का ठीक है तैंतीस किलोमीटर पड़ता है नवादा सिटी से तैंतीस किलोमीटर ठीक है और यहाँ पे ये इसकी जो हाइट है जितने एक सौ साठ मीटर है और चैत चैत संक्रांति पे यहाँ भारी भरकम मेला लगता है ठीक है तो काकोलात ठीक है उसके बाद करहाट करकट करकट वाटरफॉल कहाँ पे करकट पड़ता है कैमूर में करकट वाटरफॉल्स पड़ता है कैमूर में ठीक है और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के पास में दूसरा तेलहर यह भी तेलहर भी तेलहर भी कैमूर में ही पड़ता है ठीक है तेलहर वाटरफॉल तीसरा है धुआं कुंड यानी ये इतने रैपिडली इतने स्पीड से गिरता है पानी कि इससे धुआं निकलता है इस वजह से इसका नाम धुआं कुंड पड़ा है तो कहां पे कहा सासाराम सिटी के पास में ही पड़ता है एंड दीज आर पेयर ऑफ वाटरफॉल्स दो वाटरफॉल्स हैं ठीक है और यहाँ से क्या निकलता है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसमें पचास से हंड्रेड मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो कौन सा सासाराम के पास से धुआं कुंड इसको स्मोक वाटरफॉल भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद मनोहर कुंड और मंझर कुंड ये सासाराम से थोड़ी सा बारह पंद्रह किलोमीटर की दूरी पे है मनोहर या मंझर दोनों मनोहर कुंड या मंझर कुंड यहाँ पे क्या है रक्षाबंधन के दिन इंपॉर्टेंट मेला लगता है ठीक है और ये कौन सी रिवर पे पड़ता है तो ये करमनासा रिवर पे यहीं से निकलती है करमनासा तो मनोहर कुंड या मनहर कुंड ये करमनासा रिवर पे पड़ता है करमनासा रिवर पे इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है यही सब पूछा जाता है इसके अलावा कुछ नहीं पूछते हैं दुर्गावती फॉल्स हमने बताया था अभी कि एक दुर्गावती ये भी रोहतास में है दुर्गावती रिवर पे मीटर का है तो सबसे ज्यादा हाइट वाला जो वाटरफॉल है बिहार का वो दुर्गावती फॉल्स है दुर्गावती रिवर कैमूर ट्रिब्यूटरी ठीक है सॉरी ये नहीं है तो ये दुर्गावती जो रिवर है ना ये कर्मनाशा रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो दुर्गावती रिवर कौन सी है दुर्गावती रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कर्मनाशा और दुर्गावती रिवर पे कौन सा दुर्गावती वाटरफॉल पड़ता है ठीक है दुर्गावती रिवर करमनासा की कर्मांस नहीं करम नासा है करमनासा है करमनासा रिवर की ट्राइब्यूटरी है या सहायक नदी है ठीक है तुतला भवानी वाटरफॉल ये भी रोहतास में ही पड़ता है तो रोहतास में हमने चार वाटरफॉल देख लिए कौन कौन सा धुआंकुंड मनोहर या मनहर कुंड ठीक है उसके बाद दुर्गावती और तुतला भवानी ठीक है तुतला भवानी वाटरफॉल ये सारे रोहतास में जिबहर कुंड फॉल्स फुलवरिया रिवर नवादा में पड़ता है ठीक है फुलवरिया रिवर नवादा में जिबहर कुंड ठीक है तो नवादा में काकोला और जिबहर कुंड जो आपका फुलवरिया डैम है बहुत इंपॉर्टेंट डैम है और वो कहाँ पड़ता है नवादा में उसको मेघलिया ऑफ बिहार भी बोलते हैं ठीक है मेघलिया ऑफ और बिहार और उसके बाद सकलधारी वाटरफॉल सकलधारी वाटरफॉल बेसिकली छत्तीसगढ़ में पड़ता है ठीक है छत्तीसगढ़ में पड़ता है और जब एमपी और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुए थे और झारखंड बिहार अलग नहीं हुआ था तो एग्जैक्ट बॉर्डर पे पड़ता था ठीक है एग्जैक्ट बॉर्डर पे पड़ता था अभी ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है ध्यान दीजिएगा और उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर शेयर करता था ठीक है तो ही इस तरह से कुछ वाटरफॉल्स देख लिए हमने अभी क्या देखेंगे स्प्रिंग्स देखते हैं ठीक है स्प्रिंग्स क्या होती हैं हॉट स्प्रिंग्स क्या होती हैं जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है ठीक है वो होती हैं हॉट स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग्स ठीक है मिनरल प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है मिनरल्स की वजह से काफी जो शारीरिक जैसे दाग वगैरह है वो ठीक हो जाते हैं सल्फर वगैरह की वजह से तो इनको जो है चमत्कारी मानने लगते हैं ठीक है तो ये ऐसा चमत्कार नहीं होता वो मिनरल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस वजह से तो हॉट स्प्रिंग पहले तो दो हम ग्रुप में पढ़ेंगे एक मुंगेर में और एक राजगीर में ठीक है वही वाला एरिया तो सप्तधारा वाटर सप्तधारा स्प्रिंग्स जो है ये बेसिकली सेवन जो है इसके वो हैं ठीक है माउथ या सेवन स्प्रिंग्स है बेसिकली ग्रुप ऑफ सेवन स्प्रिंग्स हैं सप्तधारा और वह हिल्स राजगीर में पड़ती है वह हिल्स राजगीर में पड़ती है बस इतना जानना है तो सप्तधारा जो है स्प्रिंग जो है हॉट स्प्रिंग कहाँ पे राजगीर में कौन से हिल्स के पास में कौन से हिल्स के नीचे से निकलती है तो वह हिल्स सूर्य कुंड मखदूम कुंड ब्रह्म कुंड और नानक कुंड ये सारे जो हैं हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है राजगीर में और इसमें सबसे हॉटेस्ट जो हॉट स्प्रिंग है वो है ब्रह्मकुंड अमंग ऑल, ठीक है याद रखिएगा हॉटेस्ट अमंग ऑल ठीक है उसके बाद मुंगेर वाले हॉट स्प्रिंग को आपको याद करना बहुत आसान है रामायण के करेक्टर याद करिए ठीक है और राम किसकी वो कहते थे कि हम किसी के ऊपर तीर नहीं मतलब अस्त्र नहीं उठाते ब्राह्मण और ऋषियों के ऊपर ठीक है तो लक्ष्मण रामेश्वरम सीता ठीक है तो सीता गाय और ऋषि ठीक है गाय और ऋषि और ब्राह्मण के ऊपर वो अस्त्र नहीं उठाते हैं तो ऋषि और गौमुख ये इंपॉर्टेंट जो है हॉट स्प्रिंग है जो कि मुंगेर में पड़ते हैं कहां पे मुंगेर में मुंगेर में और भी देखेंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो पहले रामायण वाले करेक्टर याद कर लीजिए और राम का जब वो परशुराम को कह रहे थे कि हम ब्राह्मण गाय और ऋषि ठीक है इनके ऊपर अस्त्र नहीं उठाते हैं जब वो धनुष तोड़ने पे क्रोध कर रहे थे तो लक्ष्मण रामेश्वर यानी राम और सीता तीन तो ये हो गए ऋषि ये हो गया और गौमुख हो गया तो ये सारे कहाँ पड़ते हैं मुंगेर में ठीक है और मुंगेर में तातल पानी है भीम बांध में भीम बांध जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मुंगेर में भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भीम बांध कौन से रेंज में पड़ता है भीम बांध खरगपुर हिल्स के पास में पड़ता है खरगपुर हिल्स मुंगेर में पड़ता है ये भी ध्यान दीजिएगा एक चीज और तक यार तो खरगपुर हिल्स कहां पड़ता है मुंगेर में ठीक है वहां पे तातल पानी ठीक है तातल पानी इंपॉर्टेंट हॉल स्ट्रिंग है और उसके बाद जन्म कुंड है उसके कहाँ पे पड़ता है मालनी पहाड़ मालनी पहाड़ के पास में और ये भी कहाँ पे खरगपुर हिल्स के पास में नियर भीम बांध तो जन्मकुंड मालनी पहाड़ और श्रृंगी ऋषि का आश्रम हॉट स्प्रिंग छत्तीस किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मुंगेर ठीक है और ये भी कहाँ पे खरगपुर हिल्स में ही पड़ता है ठीक है श्रृंगी ऋषि का आश्रम के पीछे एक कहानी है कि वेन जनक ना उनके पास कोई पुत्री नहीं थी कुछ भी नहीं था तो उनके यहाँ अकाल पड़ा तो इन्होंने ही पुत्र कामे यज्ञ किया था या पुत्री कामेष्टी यज्ञ किया था इनके यहाँ पे किसके है? जनक के यहाँ पे तो वही है ये श्रृंगिरी इनका आश्रम यहाँ पे है मुंगेर में ठीक है चलिए तो हमने हॉट स्प्रिंग्स देख ली अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ठीक है सारी लेक्स नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें आपको हम करंट अफेयर में पढ़ाएंगे ठीक है तो कंवर लेक कहां पे मंजौल विलेज बेगूसराय में पड़ता है और ये क्या है एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है कहां पे पड़ता है कंवरताल बेगूसराय में और एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है वॉट इज ऑक्सबो लेक ये कमेंट में बता सकते हैं ठीक है 2020 में 21 में ठीक है 2020 में बिहार में बिहार का पहला रामसर साइट डिक्लेयर किया गया किसको कमरताल को या कंवर झील को ठीक है तो बिहार की एकमात्र रामसर साइट कौन सी है कमर झील ठीक है कहाँ पे ये भी बेगूसराय में तो कंवर लेक कबर झील हाँ वही ठीक कबर झील वही सेम है अलग नहीं है कंवर लेक या कबर झील ठीक है बेगूसराय में कहाँ पे बेगूसराय में द ओनली रामसर साइट ऑफ बिहार ठीक है उसके बाद मछली मछली मछलिंदा लेक मछलिंदा लेक कहाँ पे गया में है उसके बाद सागर पोखर बेतिया बेतिया सागर पोखर कहाँ पे है बेतिया यानी वेस्टर्न चंपारण ठीक है और हरही पौंड तीन लेक हैं बेसिकली और ये दरभंगा में पड़ते हैं ठीक है तीन लेक है दरभंगा में पड़ते हैं इसको डेवलप करने की बात किया जा रहा है तीनों को और बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात चल रही है ठीक है तो ये हमने क्या देख लिया के सारी लेक्स बिहार ठीक है अब कुछ इंपॉर्टेंट बचा तो आज के लिए ही इतना ही थैंक यू धन्यवाद ज्योग्राफी में जो मेजर पोर्शन है लगभग कवर हो गया बिहार में जहां से क्वेश्चन आते हैं अभी जो आपका पोर्शन बचा हुआ है वो रिवर वैली प्रोजेक्ट बचा है ठीक है सॉइल्स बचे हुआ है सॉयल्स फॉरेस्ट फॉरेस्ट में टू बी प्रोसाइज तो फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है आईएसएफआर की इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसमें बिहार का डेटा होगा वो देखना है ठीक है तो उसको सेंसस के साथ कवर कर लेंगे दीज टू थिंग्स विल कवर इन सेपरेट वीडियोस ठीक है जो कि यूट्यूब पे डाल दिए जाएंगे दस दस मिनट का वीडियो होगा ज़्यादा नहीं होगा ठीक है तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक है वो इस लेक्चर का ही पार्ट था लेकिन उसको हम अलग से डालेंगे सबके लिए ठीक है दैट विल बी फ्री फॉर ऑल ठीक है ये नहीं होगा लेक्चर ठीक है तो थैंक यू धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू